अच्छे दिन का झांसा देकर के दिल्ली ले गई नाबालिग को, गर्म लोहा से दागा पीड़ित परिवार इंसाफ का लगा रहे हैं गुहार। मामला दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बरहेता निवासी लाल बाबू की नाबालिग पुत्री के साथ को बलगलरा कर दिल्ली के ले जाने तथा वहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता के शरीर पर दिख रहे एक जख्म उसके साथ हुए अत्याचार का बयान खुद कर रहा है। ये हुआ है। मैं जब पानी मुझे प्यास लगा ना तो मुझे नल का अच्छा नहीं लगता था। मैं उससे बोतल से पानी पी ली तो वो मुझे दागने लगे, सर पे दाग गई भी और दोनों सीने में दाग गया, बाई और मेरे गर्दन में। गर्म छोलनी छोलनी गर्म था। हाँ, 3 बार दाग गई थी। आप मुझे उसको गुस्सा बहुत आ जाता है। दरअसल पीड़िता की माँ का देहांत हो जाने के उपरांत पीड़िता के पिता लाल बाबू अपनी बेटी अंगूरी के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। वहीं पीड़िता की माँ का देहांत होने के उपरांत अंगूरी की माँ जिसके यहाँ काम करती थी वे आई और अंगूरी के अच्छे भविष्य की बात कह उनके साथ ले गया। लेकिन जब वह 1 साल बाद लौटी तो उनके शरीर और चेहरे पर कई जख्म दिखे, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने महिला थाना में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मेरा अब्बा मुझे तेतराहा से लेके आया और ये लड्डन के पास छोड़ दिया। तो लड्डन अपने सारू को बुलाया हुआ था पहले से, तो अपना साला को बुला के मुझे मधेपुर ले गया। मधेपुर से मुझे दिल्ली ले गया सुबह में 1 बजे। तो फिर वहाँ क्या हुआ, कैसे ये तुम्हारे साथी? मुझे बाहर नहीं निकलने देती थी, बंद करके रखता था। हाँ। तो फिर आपने शोर नहीं मचाया जब आपको दागा तो? बाहर से आवाज नहीं जाता था, वहाँ कोई सुनता नहीं था। उधर क्या काम करवाता था वहाँ पे आपसे? झाड़ू पोछा करवाती थी, कपड़ा धुलवाती थी, अब बर्तन भी धुलवाती थी और खाना पकाती थी। पीड़ित के पिता लाल बाबू ने बताया कि लहरिया सराय थाना क्षेत्र के लोहिया चौक निवासी मोहम्मद लड्डन के यहाँ पत्नी उनकी चौका बर्तन की काम करती थी। पीड़िता की मां का देहांत हो जाने के उपरांत लड्डन की पत्नी पिंकी खातून पीड़ित के घर आकर अंगूरी के अच्छे भविष्य की बात करते हुए बोली कि ये हमारे साथ रहेगी तो इसकी पढ़ाई लिखाई और इसकी शादी भी हम लोग कर देंगे। गरीब परिवार रहने के चलते अंगूरी के परिजन सहमति भर दी और 25 अगस्त 2018 को लेकर चली गई। कुछ दिन पिंकी ने अंगूरी को अपने साथ रखा और फिर अंगूरी के परिजन से बिना पूछे उसने मधुबनी जिले के रह रहे अपने रिश्तेदार जकीउर की पत्नी रिंकी को खातून की हवाले कर दिया। कुछ दिन मधुबनी में रहने के बाद रिंकी के पीड़िता अंगूरी ने नई दिल्ली सलीम बाग ले गई, जहां बेरहमी से क्रूरता पूर्वक घर का सारा काम अंगूरी से कराने लगा। और जब उसकी जानकारी मिली तो लंदन को अपनी बेटी को वापस मांगने लग को कहा। 13 अगस्त को लड़की को घर के निकट पहुंचाकर वह फरार हो गया। है ना, वही हमको बोला था कि अपनी लड़की को दे दीजिए, वहाँ पढ़ेगा लिखेगा सब चीज होगा, शादी ब्याह करा देंगे, यही से बात बोला लंदन। हम कहे ठीक है, आप अगर कर, हमारी माई काम कर रहा था उसके पास, हमारी माई का जानकारी है, वहाँ वहाँ से हमको लड़की को ले गया। हमारी बेटी को मारा पीटा हमको मालूम नहीं, ये सब बात हमको कोई आदमी बोला है कि अपनी बेटी को बचाना है तो बचा लीजिए, नहीं तो बेटी तुम्हारा यहाँ बेहात हो जाएगा। किसी आदमी ने हमको फ़ोन दिया, फिर मैंने लड्डन को बोला जाके कि लड्डन से हमको बेटी को हवाले कर दो, नहीं तो भाई तुम्हारे को हम कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। इतने बात है सर, और कोई बात नहीं है इसके सिवा। वो लोग तो वो छुन्नी झिपाया, चक्कू से काटा दोनों गाल, कुछ लगा लिया, कुछ पानी पी लिया, उसके लिए लड़की को सजा दिया गया। इसे हाँ, गर्दन है, बाएं है, सीना है, चूतर है, बाल है, हर चीज है सर, पूरा दिखने के लायक नहीं है। थाना के पास गए थे बहादुरपुर में, वो बोला कि सर जब तक लहरिया सराय में जाके केस करो, अगर वहाँ नहीं होगा तो हम लोग हैं। बहादुरपुर वाला बोला फिर लहरिया सराय में हम केस दिए हैं महिला थाना में। ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है, इसमें मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं।
हम पत्नी का मेडिकल भी कराएंगे और न्यायालय के समक्ष उसका बयान भी दर्ज कराएंगे। इसकी जल्दी से हम अनुसंधान पूरा करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर किस प्रकार का सर ये मामला दिख रहा है? देखिए प्रथम दृष्टि ये मानव तस्करी का मामला लग रहा है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दी होगा। एक बार हम पहले अनुसंधान पूरा कर लें इसमें और पता कर लें किस पे शक है और किन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद जो भी दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और इसमें मैंने आदेश भी दे दिया, इस पर आज ही केस दर्ज किया जाएगा।